प्रिय जिज्ञासु विद्यार्थियों, छात्रों, शिष्यगण, कल हमने बात की थी कि मॉडल्स होते हैं विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to and used to, जिन्हें कभी कभी डिफेक्टिव वर्ब्स भी कह देते हैं, और इनमें से will, shall का प्रयोग जहां मॉडल्स के रूप में काल्पनिक एक्शंस के लिए तो किया ही जाता है, इसके अलावा लिंकिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। और 10 मिनट हमने बात की थी शैल पर और 10 मिनट बात की थी विल पर। उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुनकर यदि कोई शंका हो तो उस पर विचार करने के लिए अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन, अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले दिन की रिकॉर्डिंग में उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आइए तो आज हम 10 मिनट के लिए बात करें शुड की, और 10 मिनट के लिए बात करें वुड की। शुड, जिसका अर्थ मॉडल की दृष्टि से शैल का पास्ट टेंस होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी वो विल का, वुड और शैल का शुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको हम पहले यहां से समझते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में शैल का शुड कैसे होता है, नाउन क्लॉज यानी उपवाक्य संज्ञा का कैसे प्रयोग होता है। मान लीजिए कि वाक्य है आई सेड, I shall go there. I said, comma, inverted commas, I shall go there. तो क्योंकि इस सेंटेंस में I के साथ said, से की वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, इसलिए जब रिपोर्टेड स्पीच इसकी बनाएंगे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इसकी रिपोर्टेड स्पीच I shall go there किस में चेंज हो जाएगी, I should go there, यानी कि I said that I should go there। इसी तरह से जैसे we said to our friends, comma inverted commas में We shall help our brothers and friends। तो जब जहां से हमने शुरू करा we said के बाद we shall, तो यहां से inverted comma शुरू हुआ और उसे हटाना है तो conjunction के रूप में क्या लगाएंगे, that। जैसे we said that we should help our brothers or friends, या brothers and friends। ठीक इसी तरह से हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं जहां पर आपको बताना है कि परिवर्तन होगा कि नहीं, that is I have said I should help my friends,
आप लोग बताएं परिवर्तन होगा कि नहीं। आपको कहना चाहिए कि सर इसमें क्यों होगा, सेट आने से बहुत कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस में आने से हो रहा है और आई हैव सेट में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसमें शैल का शुड नहीं होगा। वी हैव सेट दैट वी शैल हेल्प अवर फ्रेंड्स, ये इस प्रकार हुआ। इन प्रयोगों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि फ्यूचर में गागी गे होता है, पास्ट टेंस में भी होता है। पास्ट टेंस के गागी गे को पास्ट टेंस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शुड से, जो फ्यूचर में शैल से करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आइए उस पर चर्चा करें, तो वो क्या है। शुड का अर्थ गागी गे का पास्ट टेंस वो केवल ऐसा ही नहीं है, शुड का एक और अर्थ भी होता है जिसे कहते हैं चाहिए। चाहिए के रूप में जब हम इसे सीख रहे हैं तो हमें तीन तरह के चाहिए पता होने चाहिए। नंबर एक मस्ट, नंबर दो शुड, नंबर थ्री ऑट टू। तो जब हम बात कर रहे हैं शुड बीच में क्यों आया, मस्ट का मतलब होता है अनिवार्य, यूनिवर्सली ट्रू एंड कंफर्म्ड, जैसे हमें मरना ही है, हमें मरना है तो वी मस्ट डाई, क्योंकि उसमें कोई असत्य और कोई झूठ होता है नहीं। लेकिन जब हम किसी को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, किसी को किसी के विश्वास में सहयोग देते हैं, तो परामर्श या एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज हुआ किसके लिए, शिक्षा के लिए। शुड का यूज हुआ किसके लिए, सलाह के लिए। शुड का यूज हुआ किसके लिए, सुझाव के लिए। शुड का यूज हुआ किसके लिए, सामाजिक या समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्रकट करने के लिए। उदाहरणार्थ तो मैं रोज घूमने जाना चाहिए, एडवाइस है, टीचर की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, किसी सीनियर की हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि ये एडवाइस है, क्योंकि ये सजेशन है, इसलिए ट्रांसलेशन क्या होगा, यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली। ऐसे ही मां कहती है अपने बेटे से, पिता कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटा अपने गुरुजन की बात तो सुन लिया करो, अर्थात बच्चों आपको अपने गुरुजन की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इसको सरल वाक्य में कहें कि पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं कि उन्हें अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम कहेंगे पेरेंट्स गाइड देयर चिल्ड्रन दैट दे शुड ओबे देयर टीचर्स। तो गाइडेंस हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, एजुकेशन हो, ड्यूटी हो, उसमें हम इस तरह से शुड का प्रयोग करते हैं। और एक शुड का प्रयोग और देख सकते हैं, यस, सुरेश के पिताजी बीमार हैं,
सुरेश को तुरंत डॉक्टर से संपर्क साधना चाहिए। तो कहेंगे फादर ऑफ सुरेश इज इल, ही शुड सी, और दूसरा वर्ड कंसल्ट, ही शुड सी और कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि शुड या तो शेल का पास्ट होता है गागी गे में, और या इसका अर्थ होता है शिक्षा, सलाह, सुझाव, कर्तव्य। तो इस प्रकार से ये बात हमने की। आइए दूसरी बात करें, किसकी? तो वो विल का अपोजिट जिसे कहते हैं वुड। वुड को हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे जितना शुड को समझे, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए और चाहिए तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए। वुड का पहला यूज तो वही होता है जो शेल का पहला यूज होता है, यानी शेल से शुड बनता है, तो विल से वुड बनता है। और जैसे शेल के स्थान पर शुड यूज होता है गागी गे के लिए, ऐसे ही विल के स्थान पर वुड यूज होता है। जैसे आस्था कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मैं मसूरी नहीं जाऊंगी, तब तो ये होगा आस्था सेज दैट शी विल नॉट गो टू मसूरी, लेकिन यही होता कि आस्था ने कहा कि मैं मसूरी नहीं जाऊंगी, तो होगा आस्था सेड दैट शी वुड नॉट गो टू मसूरी। यस, जैसे रौनक ने कहा मैं आप सबकी मदद के लिए तैयार हूं, कहा के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो रौनक सेड आई वुड हेल्प एवरीबॉडी, या आई एम रेडी टू हेल्प एवरीबॉडी, लेकिन वुड के रूप में रौनक सेड दैट ही वुड हेल्प एवरीबॉडी। फिर से स्पष्ट हुआ कि इस प्रकार का प्रयोग इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में से बीच में से कॉमा और दैट को हटाने के समय किया जाता है। ये यूज 9th, 10th और सभी जगह पढ़ाया जाता है। अगले यूज बहुत कम समझाए जाते हैं। आइए तो दूसरा यूज समझते हैं, वो क्या है वर्ब यू वुड का यूज। बच्चों वुड का यूज प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और कंडीशनल सेंटेंसेस में कई तरह से करते हैं, इसलिए आइए तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस में कहीं पर किसी से नम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो तो हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेहरबानी करके आप इसे कर दीजिए, तो एक तो इसका ट्रांसलेशन हो सकता था काइंडली डू इट, प्लीज डू इट, ये व्याकरण की दृष्टि से इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर हम किसी से प्रश्न के साथ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे
क्या आप इस कार्य को कर दोगे? अपेक्षा तो है, उम्मीद तो है, लेकिन सज्जन तरीके में वर्तमान में हम कह रहे हैं, तो हम कहेंगे वुड यू प्लीज डू इट, वुड यू काइंडली डू इट। तो ये एक सज्जन तरीका हुआ। ऐसे ही अगर कोई नेत्रहीन किसी सामान्य व्यक्ति से कहे, दोस्त क्या आप इस रिपोर्ट को मेरे लिए पढ़ दोगे, या कृपया करके इस रिपोर्ट को पढ़ दीजिए, तो ये कहेंगे वुड यू प्लीज रिपोर्ट रीड द रिपोर्ट, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, बस ये लगा सकते हैं फॉर मी। तो ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी कह सकता है, और जिसको पढ़ना लिखना आता है लेकिन इंक प्रिंट पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी कह सकता है, और सामान्य रूप से कंपाउंडर से डॉक्टर भी कह सकता है, पेशेंट डॉक्टर से भी पूछ सकता है, क्या आप मेरे लिए इस रिपोर्ट को पढ़ देंगे, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट फॉर मी, या उतना भी छोड़ दीजिए फॉर मी। तो ये हुआ प्रेजेंट में क्या एक्सप्रेस करने के लिए, नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक इसी तरह से अब आते हैं इसकी तीसरी बात पर। तीसरी बात है कि निवेदन हो, ड्यूटी हो, सुझाव हो, लेकिन हो पास्ट टेंस में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो हम करते ही हैं, लेकिन आदत यानी हैबिट को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, यूज्ड टू पास्ट टेंस में ही होता है, ऐसे ही वुड भी पास्ट टेंस में ही होता है। किसके लिए? जैसे प्रेजेंट में रिक्वेस्ट के लिए, और पास्ट में हैबिट के लिए। यस, जैसे यस, मेरी पत्नी शाम को घूमने जाया करती थी, जाती होती थी, जाती होगी, तीनों का मतलब एक ही तो है। तो माई वाइफ वुड गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, इसका मतलब आजकल नहीं जाती शायद। ऐसे ही कई बार कक्षा में हमारे गुरुदेव को गुस्सा आ जाया करता था, गुस्सा आ जाता था, गुस्सा कर लेते थे, ये उनके हैबिट में था। ये आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और जब क्लास में पढ़ाता हूं आप पेन से खेलने लगते हो, आंखों से इशारे करने लगते हो, तो मैं आपको कहता हूं ना, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कहेंगे समटाइम्स आवर टीचर वुड गेट एंग्री। संभवतः आपको बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं आपको इस ढंग से सिखा रहा हूं जो मैं क्लास में करता था या कराता था। ऐसे ही जितने भी, एक और अगला मैं उदाहरण देता हूं, जितने भी रोजमेरी में ग्रामीण बच्चे होते थे, वो प्रत्येक शनिवार की शाम को गांव दौड़ जाते थे। तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी शनिवार, प्रत्येक शनिवार गांव के लिए दौड़ जाते थे, जाया करते थे, चले जाते होंगे, ये संभावना भी हुई, लेकिन किसकी? पास्ट टेंस में। तो हम ये कहेंगे ऑन
Saturday evenings, students from village would run home. आई बात समझ में? संभवतः आ गई होगी. On Saturday evenings, students from villages would run home. ऐसे ही अगला, आप में से कई बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा नहीं पाया और उसका कारण था कि वो क्लास में बैठ करके भी क्या करते थे, दिवा स्वप्न देखते रहते थे, कल्पनाओं में खोए रहते थे, शेख चिल्लियों में भटकते रहते थे, हवाई किले बनाते रहते थे. तो मैं एक विद्यार्थी कह के, विद्यार्थी सारा दिन बैठा रहता था और सपनों में खोया रहता था. विद्यार्थी सारा दिन बैठा रहता होगा और सपनों में खोया रहता होगा, इसलिए वो कुछ सीख नहीं पाया. नाम नहीं ले रहा हूं जिससे कि आपको लज्जित नहीं होना पड़े. अ स्टूडेंट वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे. आप अपने आप से पूछना, वो कहीं मैं तो नहीं था? आप में से कोई ऐसा हो सकता है. तो इसलिए वुड के चार वाक्य जो पास्ट टेंस में हैबिट को बताने के लिए हमने किए, उससे बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अब आते हैं चौथी बात, और वो है दृढ़ निश्चय, जिसे कहते हैं डिटरमिनेशन, और सहमति, जिसे कहते हैं विलिंगनेस, को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है. कैसे किया जाता है वो निश्चित रूप से एग्जांपल से ही समझ में आएगा. जैसे वह अपने ही तरीके से काम को किया करती थी, तो हम इसको ट्रांसलेशन करें तो शी वॉज डिटरमिंड टू हैव हर ओन वे. जो लड़की ऐसा अगर पढ़ रही हो, सुन रही हो, तो वो जानती होगी यस, ये मेरे लिए ही कह रहे हैं. लेकिन उसको मुझे कहना कैसे चाहिए? शी वुड हैव हर ओन वे. तब वो वुड का प्रयोग आप सभी समझ सकते होंगे. अब मैं उदाहरणों के साथ क्यों दे रहा हूं, जिससे आप हंसते हंसते घर में अपने पेरेंट्स को चर्चा में बता सकें कि हाँ ये सब क्लास में होता था. जैसे मेरे एक विद्यार्थी ने कहा कि उससे जो भी संभव होगा उससे भी अच्छा वो मेरे लिए करेगा. ये उसका दृढ़ संकल्प है. वो खुद भूखा मरे लेकिन मुझे भूखा नहीं मरने देगा. तो क्या है, वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट फॉर मी, या वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड दैट She would do her best for me. ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो हमेशा कह देते हैं, सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेरर चेक्स हैं, जब आप आदेश करेंगे आपके पास उपलब्ध होंगे हम. इसी तरह से अगर वो आप आई तो वो यहां अवश्य आएगी, ऐसा मैं कहता हूं, ऐसा मैं जानता हूं.
मैं जानता हूं कि यदि वह आप उसके लिए आप आना संभव हुआ तो वह अवश्य आएगी. तो क्या होगा? आई नो शी वुड कम इफ शी कुड. तो इससे आपको समझ में आई होगी कि डिटरमिनेशन किस चिड़िया का नाम होता है. आइए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट बात करते हैं और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त बताने वाले वाक्यों में. यदि तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, यदि मैं ऐसा करूं तो वैसा होगा. इसे कहते हैं कंडीशनल. यद्यपि कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां तो आज वुड पढ़ाने की बात है तो मैं आपको वुड में ही दो वाक्य से बताकर इस चैप्टर को यहीं फिनिश करता हूं. कल आगे बढ़ेंगे. यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा अवश्य करता. आई वुड डू इफ आई वर यू. आई वुड डू इफ आई वर यू. ऐसे ही यदि वह यहां होता तो मैंने उसे यह बात बताई होती, मैंने उसे समझाया होता. तो क्या होता? यदि वह यहां होता तो मैंने उसे बताया होता. इफ ही वुड हियर आई वुड टेल हिम. ऐसे ही वुड और शुड हैव के साथ कैसे यूज होते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस में आगे पढ़ेंगे. इसे यहीं पर विराम देते हुए कल बात करेंगे. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन.